कोरियंस इंडियंस को हेट करते हैं, अगर आपको यकीन नहीं है तो दी वायर का ये वीडियो देखिए। This is only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? ये वीडियो तमिलनाडु के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जहाँ पे 2017 में किया मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हुआ था, जिसके कारण काफी ज्यादा कोरियंस इस एरिया में शिफ्ट हुए हैं। इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि इस होटल के कोरियन ओनर ने सिर्फ कोरियंस को इस होटल में अलाउ कर रखा है और इंडियंस का इस होटल में आना अलाउड ही नहीं है। और ऐसा क्यों है तो ओनर से पूछने पर उनके पास इसका कोई आंसर भी नहीं होता है। ये कंडीशन सिर्फ इंडिया में है, तो आप सोच सकते हैं कि कोरिया में किस लेवल का रेसिज्म इंडियंस को फेस करना पड़ता होगा। लेकिन इंडियंस ही अकेले कोरिया में रेसिज्म के शिकार नहीं है, बल्कि सभी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को कोरिया में रेसिज्म फेस करना पड़ता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? 2018 में कोरिया का लिटरेसी रेट 98.8% था, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। और जनरली ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि जैसे ज्यादा लोग पढ़ते लिखते हैं, वैसे वैसे उस कंट्री में धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन खत्म होने लगता है। लेकिन साउथ कोरिया के केस में ऐसा नहीं हुआ है, और इसके मेनली तीन रीजंस हैं, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले साउथ कोरियंस कैसे किसी फॉरनर को देखते हैं, वो एक साउथ कोरियन से आप खुद सुनिए। Hi guys, it's Jin here. Today I wanna talk about racism in Korea. So, I feel shameful as a Korean because it is true. Many Koreans look down people from less developed countries. दूसरे कंट्री के लोगों को नीचा दिखाना चलो अलग बात है, लेकिन साउथ कोरियंस दूसरे रेसेस या दूसरे कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री में देखना ही नहीं चाहते हैं। 2018 में यमन से टोटल 500 लोग साउथ कोरिया के जीजू आइलैंड्स में रेफ्यूज लेने आए थे, क्योंकि 2014 से यमन में एक वॉर चल रही थी। लेकिन इन 500 में से सिर्फ 2 लोगों को कोरिया ने एज रेफ्यूजीज एक्सेप्ट किया था, और इसका रीजन था कि मेजोरिटी लोग इतने सारे रेफ्यूजीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट है। 2018 में कई सारे क्लब्स में फॉरेनर्स को बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो कोरियन नहीं दिखते थे। और ये एंटी फॉरेनर पॉलिसी कोरियन बिजनेसेस के साथ साथ कोरियन गवर्नमेंट में भी देखी गई है। 2020 में COVID-19 के कारण कोरियन गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें से सभी फॉरेनर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था। यानी रिलीफ पैकेज का सारा बेनिफिट सिर्फ कोरियंस को मिल रहा था। और जब गवर्नमेंट से पूछा गया कि उन्होंने फॉरेनर्स को एक्सक्लूड क्यों किया, गवर्नमेंट का कहना था कि फॉरेनर्स के कोरिया से स्ट्रांग टाइज नहीं थे। हालांकि बाद में बैकलैश के कारण ये सारी पॉलिसीज रिवर्ट कर दी गई थी, और बाद में सभी को रिलीफ पैकेज से बेनिफिट दिया गया था। लेकिन ये तो मैंने छोटे छोटे इंसिडेंट्स आपको बताए हैं, लेकिन ना जाने कोरिया में कितने सारे रेसिज्म के इंसिडेंट्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोरियंस को ये बात नहीं पता है, कोरियंस ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि कोरिया एक रेसिस्ट कंट्री है। लेकिन अब फिर वही सवाल कि कोरिया में इतना ज्यादा रेसिज्म क्यों है? तो इसका पहला रीजन है प्योर ब्लड लाइन। कोरियंस अपने प्योर ब्लड लाइन, हजारों साल पुराने कल्चर और हिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर को इतने लंबे समय से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। जब 1900s में कोरिया में जापान रूल कर रहा था, तब जापान ने कई सारी कोशिशें करी थी कोरियन कल्चर को खत्म करने की, लेकिन जापान ये करने में नाकामयाब रहा था। और इस कारण से कोरियंस अपने कल्चर पे बहुत ज्यादा प्राउड हैं और उसे सबसे सुपीरियर मानते हैं। और कोरिया में 1990s तक फॉरेनर्स की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण साउथ कोरियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर कर रही थी। अब साउथ कोरिया को अपनी इकोनॉमी को बचाना था, इस कारण उसने IMF से लोन लिए। लेकिन IMF से लोन कोरिया को अपनी इकोनॉमी में चेंजेस करने पर मिलता है, और इन चेंजेस में से सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि साउथ कोरिया को अपनी इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन करनी होती है। अब इससे साउथ कोरिया की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज्यादा फॉरेनर्स की पॉपुलेशन कोरिया आने लगी, और ओवर द इयर्स कोरिया में इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन मिलियंस में पहुंच गई। अब इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन कोरिया में बढ़ने के कारण कोरियंस में अपनी हिस्ट्री, कल्चर, ब्लड लाइन, इन सबको सेव करने की भावना और ज्यादा बढ़ गई, और इसी कारण से कोरियंस का एक एग्रेसिव स्टैंस सभी फॉरेनर्स के लिए फॉर्म हो गया। यहाँ तक कि कोरियंस किसी भी फॉरेनर के पास नहीं रहना चाहते हैं। 2010 से 2014 के बीच में 44% कोरियंस किसी भी फॉरेनर को अपना नेबर नहीं बनाना चाहते हैं। तो कोरिया में रेसिज्म होने का दूसरा बड़ा रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ, आपने सही सुना, लैक ऑफ एजुकेशन। कोरिया में लिटरेसी रेट भले ही 98.8% की है, लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोगों को किसी दूसरे कल्चर के बारे में या किसी दूसरे रेस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि उनके स्कूल और कॉलेजेस में कभी दूसरे कल्चर के बारे में बताया ही नहीं जाता। और जितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें बाकी कल्चर्स, बाकी कंट्रीज के बारे में मालूम पड़ती है, वो सब उन्हें मीडिया से मालूम
मालूम पड़ती है, लेकिन उसमें भी दूसरी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन कोरियन मीडिया अच्छे से नहीं करती है। इंडिया का एग्जाम्पल ले तो G20 समिट के दौरान कोरियन मीडिया ने इंडिया की झुग्गी झोपड़े को ज्यादा दिखाया, ना कि इंडिया के कल्चर को, ना कि इंडिया की फेमस बिल्डिंग्स को। इस कारण कोरियंस के मन में इंडिया का एक गरीब और अनडेवलप्ड कंट्री होने का परसोना फॉर्म हो चुका है। और 2023 में 5 कोरियन लड़कियों का एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस ऑस्ट्रेलिया से सामने आया था, जिसमें कि एक इंडियन ओरिजिन आदमी इन्वॉल्व था और इस आदमी का बीजेपी से लिंक भी था। इस न्यूज को कोरिया में रिपीट पे प्ले किया गया, इस कारण कोरिया में इंडिया की इमेज और ज्यादा हर्ट हुई है। अब जो थर्ड रीजन है वो है लुक्स। एक सिचुएशन इमेजिन करिए, आप कई सालों तक पढ़ाई करके अच्छे से स्किल्स डेवलप करके एक अच्छी सी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाते हो। आपका इंटरव्यू भी काफी अच्छा जाता है, लेकिन कंपनी वाले आपको हायर नहीं करते हैं, वो आपके बदले किसी और को हायर करते हैं जो कि आपसे दिखने में अच्छा होता है, तो आपको कैसा लगेगा? इस सिचुएशन में आपको कितना बुरा फील होगा? लेकिन सच तो यह है कि कोरिया में ऐसा होता है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से कोरिया में 80% रिक्रूटर्स लुक्स के बेसिस पे लोगों को हायर करते हैं। इसके कारण प्लास्टिक सर्जरीज भी कोरिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको हर जगह कोरिया में प्लास्टिक सर्जरीज के एड मिलेंगे। और एक रिपोर्ट के अनुसार 46% फीमेल्स जो कि कोरिया में कॉलेज जाती हैं, उन्होंने अपने कॉलेज के दौरान एक ना एक बार प्लास्टिक सर्जरी जरूर कराई है। अब लुक्स के इस ऑब्सेशन के कारण कोरिया में ब्लैक और ब्राउन लोगों को हद से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के हिसाब से कोरिया में रहने वाले इमिग्रेंट्स में से 68% लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी कोरिया में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है, क्योंकि कोरियन सिर्फ व्हाइट स्किन और स्टाइलिश लुक्स को अट्रैक्टिव मानते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। कोरिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोरिया की बर्थ रेट सिर्फ 0.84 है, यानी ऑन एवरेज कोरिया में एक कपल का या तो एक बच्चा होता है या एक भी बच्चा नहीं होता है। अब बर्थ रेट कम होने के कारण कोरिया में ज्यादा ओल्डेज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन उतने यंग लोग नहीं है जो कि बूढ़े लोगों की सेवा करें और साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्ट लें। इसलिए कोरिया में वर्कर्स की जरूरत भी बढ़ती जा रही है, और वर्कर्स की इस डिमांड को पूरी करने के लिए कोरिया अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स चाहता है। लेकिन कोरिया में रेसिज्म की कहानियां सुनकर काफी सारे लोग कोरिया नहीं जाना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोरियन गवर्नमेंट ने 2007 में, 2010 में और 2012 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस पास करने की कोशिश करी थी, लेकिन कोरिया की कंजर्वेटिव पार्टीज ने इन लॉस को कभी सपोर्ट ही नहीं किया।